क्या मुसलमानों को शर्म नहीं आई कि इतनी बड़ी बेहुरमती और हम चुप करके बैठे हुए हैं? ओहो, मुसलमानों को शर्म आई कब है? जब से पाकिस्तान बना है इनको शर्म आने वाली चीज ही कोई नहीं है। ये पाकिस्तान बनवाया गया इसलिए कि ये मुसलमानों को बेशर्म करने के लिए। ये बेकारी हैं, हम पाकिस्तानी बेकारी हैं सारे का सारा। मीडिया भी कमीशन एजेंट है, अगर चलाना चाहे तो चलाना इसको। ये सारे का सारा जितना पाकिस्तान से ये पाकिस्तान बनाई फौज के लिए, सीएसपी अफसरों के लिए, जजों के लिए, सरकारी बंदों के लिए। प्राइवेट बंदे की तो वक्त ही कोई नहीं, कुत्ते से कम वक्त है इस बंदे की। तो मैंने तो अपनी जिंदगी में कोई ऐसा हुक्मरान पाकिस्तान में देखा ही नहीं कि जो ये बिकावा नहीं है, जो बेकारी नहीं है, आया ही कोई नहीं ऐसा हुक्मरान अभी। हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। ये वीडियो है पाकिस्तानी यूट्यूबर अनम शेख की। इस वीडियो में इस पाकिस्तानी चाचा ने पाकिस्तान की असलियत बता दी है। मुसलमानों के लिए बना पाकिस्तान में अब खुद मुसलमान ही नहीं रहना चाहते। इस चाचा ने बताया कि पाकिस्तान आम मुसलमानों के लिए नहीं बना था, पाकिस्तान बना था आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर और सियासतदानों के लिए, जो खुद तो मजे करते हैं और आवाम को बेवकूफ बनाते हैं। चाचा ने खुद बताया कि पाकिस्तान में अब तक उन्होंने ऐसा सियासतदान नहीं देखा जो बिकाऊ नहीं है। कभी ये चाइना के हाथों बिक जाते हैं तो कभी अमेरिका के हाथों। जिस चाइना को पाकिस्तान अपना दोस्त मानता है, वहाँ मुसलमानों पर आए दिन जुल्म होते हैं। लेकिन पाकिस्तान चाइना के खिलाफ इसलिए कुछ नहीं बोलता क्योंकि चाइना के रेमो करम पर पाकिस्तान जिंदा है। अगर ये चाइना से भी दुश्मनी करेंगे तो इनके खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। जब चाइना के खिलाफ कुछ करने बोलने का समय आता है तो पाकिस्तान को इस्लाम याद नहीं आता, इनको पहले अपनी भूखमरी याद आती है। इस्लाम का पक्ष कब लेना है ये पाकिस्तान अपना फायदा देखकर तय करता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहले ये वीडियो और फिर बात करते हैं इस वीडियो के एंड में। सर, क्या मुसलमानों को शर्म नहीं आई कि इतनी बड़ी बेहुरमती और हम चुप करके बैठे हुए? ओहो, मुसलमानों को शर्म आई कब है? जब से पाकिस्तान बना है इनको शर्म आने वाली चीज ही कोई नहीं है। ये पाकिस्तान बनवाया गया इसलिए कि ये मुसलमानों को बेशर्म करने के लिए। मुसलमान अपनी असलियत भूल गया, जिहाद भूल गया है, ठीक है ना। जब जिहाद मुसलमान जिहाद छोड़ देगा ना, तो मुसलमान बेशर्म क्या ये बगैरत की हद तक चला जाए। बेकारी हैं, हम पाकिस्तानी बेकारी हैं सारे का सारा। मीडिया भी कमीशन एजेंट है, अगर चलाना चाहे तो चलाना इसको। ये सारे का सारा जितना पाकिस्तान से ये पाकिस्तान बनाई फौज के लिए, सीएसपी अफसरों के लिए, जजों के लिए, सरकारी बंदों के लिए। प्राइवेट बंदे की तो वक्त ही कोई नहीं, कुत्ते से कम वक्त है इस बंदे की। हमें कौन समझता है, कोई नहीं। ये देखे क्या हो रहा है, आज 3 बजे उन्होंने दुकानें काज ओपन करने के लिए, रात को 10 बजे बंद कर देनी। सर, आपको नहीं लगता चाइना के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो सी पैक बंद हो जाएगा? भाई, इधर मेट्रो बनी, ऑरेंज ट्रेन बनी, बड़ा कुछ बनाया चाइना ने, तो क्या हम आवाज उठाएंगे तो चाइना तो कहेगा लाओ भाई मेरा सामान करो वापस? नहीं, चाइना ऐसी बात से नहीं कहेगा। आप चाइना के खिलाफ सबसे पहली बात है आवाज उठा नहीं सकते। अगर आवाज उठा भी लेते हैं ना, तो चाइना आप ये कोई चीज बंद नहीं करेगा, क्योंकि उसने आपको और मकरूज करना है। इतना को मकरूज करना है उसने आपको कि वो कहेगा ये पाकिस्तान आया ही मेरा, ये चाइना की ये चाल है, ठीक है ना। तो बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, हकीकत तो अल्लाह के पास है, हमारे पास होगी। सर, एक आखिरी सवाल का भी जवाब दीजिएगा। आपने बात की हिंदुस्तान की, हम हिंदुस्तान के अगर कौम रियासत और सियासत को देखें तो अभी कनाडा और इंडिया का मसला हुआ था, तो उन्होंने कैनेडियंस को निकाल दिया, उन्होंने कहा इंडियंस वापस आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें कैनेडा। फिर अमेरिका के जो बाइडन ने कहा, प्रेसिडेंट ने कहा रशिया से तेल नहीं लेना, तो उनके एस जय शंकर ने कहा बरदार हमारी आजाद पॉलिसी हम लेंगे, तू कौन होता भाई हमें बोलने वाला। सर, ऐसी होती है ना कौमें, ऐसी होती है ना रियासत, ऐसी होती है ना सियासत, कि उन्होंने अपना आपको देखा, किसी मुल्क की उनको परवाह नहीं, और हम देखें। इधर देखें, मुझे ये बताएं, आप जो सवाल कर रही हैं, आपको मेरे से ज्यादा पता है। ये जब से मेरी उम्र हो गई है तकरीबन 58 का मैं हो गया हूँ, तो मैंने तो अपनी जिंदगी में कोई ऐसा हुक्मरान पाकिस्तान में देखा ही नहीं कि जो ये बिकावा नहीं है, जो बेकारी नहीं है, आया ही कोई नहीं ऐसा हुक्मरान अभी तक। पाकिस्तान को बनाने वाला आया ही कोई नहीं, पाकिस्तान को सब खा रहे हैं, बेच रहे हैं। ये मेरी मसलो, ये जिन मुल्कों की हम बातें कर रहे हैं ना, जितना एक डीएसपी लेवल का आदमी है उसको इतना प्रोटोकॉल नहीं है। आज जजों को जो गुलामी है, हम जजों को जो सलाम करते हैं, ये कुछ इस्लामी मुल्क में होता है? यहाँ तो इस्लामी मुल्क ही नहीं है, ये तो झूठ बोल रहे हैं जो कह रहे हैं ना पाकिस्तान को ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बनाया, झूठ बोलते हैं। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बनता तो ये मुल्क में इस्लामी कानून होता, ये अंग्रेज का कानून ना होता। सर, हम भी भिखारी हैं क्या? हमारा पड़ोसी मुल्क जो कि हमारे साथ ही अलग हुआ था, हम उनसे अलग हुए थे, क्या वो भी भिखारी है? नहीं नहीं, वो भिखारी नहीं है। उन्होंने उनके हुक्मरानों ने एक कौम बना, उन्होंने हुक्मरानों ने उस मुल्क को बनाया है। इधर तो जितने हुक्मरान आते हैं वो मुल्क को खाने वाले आ रहे हैं। क्या बनेगा पाकिस्तान का?
पाकिस्तान का कुछ नहीं बनेगा जो आएगा। देखो जी मैं, मेरी 58 उम्र हो गई, मैं बड़ी बड़ी बात 20 साल और जी लूंगा। ऐसे जाना है ना, हकीकत है, दुनिया से जाना है, ऐसे मैं चला जाऊंगा चाइना में। और चाइना ने पिछले कुछ सिनेरियोस में हमारी मस्जिदों को कोड़े मार के, उनके पुलिस ने तोड़ा भी था, दाढ़ी नहीं रखने दिया जाता रोजे पे, बड़ी चीज है। सर हमें क्यों नहीं दिखाया जाता, हमें क्यों नहीं बताया जाता, हमने कभी चाइना के खिलाफ नहीं दिखा रहा है कि हम उनसे मजबूर है। हमारा उनसे जो है ना, ये हमारे मुल्क में जो दोस्ती का रिश्ता जोड़ा हुआ है। अच्छा। हमारे अंदर जो है ना मुस्लिम की जो गैरत है ना वो मर चुकी है। हमें ये बात जो है ना ये उनसे करनी चाहिए, हमारे जो आला हुकाम है ना ये उनसे करनी चाहिए। मौसी लिहाज से वो सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम बात नहीं कर सकते। मतलब अजल से पाकिस्तानियों के लिए ये चलता आ रहा है कि मुसलमान जो है पैसे के आगे बिक जाते हैं, ये सच है। सही बात है, सच है। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी, इस पाकिस्तानी चाचा ने कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया जो पाकिस्तानियों को सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। चाइना कुछ भी करे, पाकिस्तान कभी चाइना के खिलाफ अपना मुंह नहीं खोलता। इस वीडियो में अनम शेख ने एक वीडियो दिखाया जो चाइना का है। इस वीडियो में एक रेस्टोरेंट के फर्श पर कलमा लिखा हुआ है और जो लोग इस रेस्टोरेंट में आते हैं वो कलमे के ऊपर पैर रखकर चलते हैं। अगर ये भारत में हुआ होता तो अब तक पाकिस्तान मीडिया हाय तोबा कर चुका होता, लेकिन क्योंकि ये चाइना में हुआ है इसलिए पाकिस्तानियों ने अपना मुंह और आंखें बंद कर लिया है। इनकी हिम्मत नहीं है चाइना के खिलाफ कुछ भी बोलने की, क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान को अपने ऊपर इतना निर्भर कर दिया है कि चाइना के गलत हरकत पर पाकिस्तान जानबूझकर अपनी आंखें और मुंह बंद कर लेता है। वीडियो में इस चाचा ने बताया कि पाकिस्तान को बनाने वाले सबके सब चोर थे, इन्होंने अपने फायदे के लिए समय समय पर पाकिस्तान को बेचा है। इनका अपना ऐसा कुछ नहीं है जिस पर पाकिस्तानी गर्व कर सके। दहशतगर्दी के अलावा पाकिस्तान ने आज तक कुछ नहीं किया है और मदरसा में पढ़ने वाले इन लोगों को टेक्नोलॉजी साइंस में इंटरेस्ट भी नहीं है। इनको बस जिहाद करना है और जन्नत में जाकर हुरे कमानी है। इसके लिए ये मरने के लिए हर वक्त तैयार भी रहते हैं। आने वाले 4-5 सालों में पाकिस्तान का क्या फ्यूचर होगा ये पाकिस्तानियों को नहीं पता, लेकिन जन्नत में हुरे मिलेंगी ये हर जिहादी को पता है। इसलिए दुनिया में इनसे बड़े जाहिल लोग और कोई नहीं है। खैर दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।